सरकारी नौकरी से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नॉन गजेटेड पदों पर चयन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET आयोजित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में बोले तो देश में सभी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए एकल प्रवेश परीक्षा होगी। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर सकते हैं। स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा, जिसके दौरान उम्मीदवार अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रयासों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। वर्तमान में 3 एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएं बैंकिंग में IBPS, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC को एकीकृत किया जाएगा। केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। यद्यपि हम अभी केवल 3 एजेंसियों की परीक्षाओं को सामान्य बना रहे हैं, लेकिन समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा दे पाएंगे, सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA को पहली बार सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों, मोटा मोटी समझने वाली बात यह है कि सरकार ने IBPS, SSC और RRB की सभी वैकेंसियों को एकत्रित करके एक ही एग्ज़ाम लेने का निर्णय लिया है और इसी एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको आप चुने गए विकल्प के मुताबिक पोस्टिंग मिलेगी। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से जुड़े जैसे जैसे डिटेल सामने आते जाएंगे, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सारी सूचनाएं देते रहेंगे। और सूचनाओं के लिए हमसे जुड़े रहे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।